मतलब इस आर्ट्स का नाम पिछवाई है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पीपल का पत्ता होता है ना पूरा उसके। तो वैसे वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जहांगीर आर्ट गैलरी, जो कि लोकेटेड है मुंबई में। अगर आप एक आर्ट लवर हो तो आपको इस प्लेस को जरूर विजिट करना चाहिए, और मैं खुद इस प्लेस को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं ब्लॉग में दे दूंगा। आपको बताता हूँ मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैं जस्ट अभी हूँ आर्ट गैलरी के सामने ही। ये देखो, दिखाता हूँ आपको सामने से। और ये यहाँ पे स्टैचू देख सकते हो काला घोड़ा का, इसके जस्ट सामने ही है जहांगीर आर्ट गैलरी। अभी दिखाता हूँ आपको सामने से, ये देखो जहांगीर आर्ट गैलरी। तो अभी आपको अंदर से पूरा व्यू दिखाता हूँ। आप जैसे ही आर्ट गैलरी के अंदर एंट्री करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप सामने देख सकते हो। और यहाँ पे फोटो और वीडियो अलाउड नहीं है, तो मुझसे जितना होगा ना तो मैं उतना आपको दिखा दूंगा। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ आर्ट गैलरी के अंदर, और अंदर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये वाली पेंटिंग देखो सामने आप जो है, इसमें ऐसा लग रहा है ना कि एक पर्सन है जो कि अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है। और जस्ट इसके साइड में ना नीचे ना इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस पेंटिंग को किसने बनाया है, आप उसे भी पढ़ सकते हो। और ये वाली पेंटिंग देखो, इसमें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही अलग टाइप का जो एनिमल है ना, उसको आर्टिस्ट ने प्रेजेंट किया है, ये सामने देखो। और भी यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स है, आप सामने देख सकते हो। और ये वाली पेंटिंग देखो, इसमें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत शेप्स यूज करके बनाया गया है और इसको। और इस पेंटिंग में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फेस, बुक्स और एक बफेलो का फेस देख सकते हो। इसमें ना बहुत ज्यादा डिटेलिंग किया ऐसा लग रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पे ना टोटल 4 आर्ट गैलरी है, और हर आर्ट गैलरी में ना आपको अलग अलग आर्ट्स के टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। आपको आर्ट गैलरी का टाइमिंग बता दूं कि सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही आर्ट गैलरी ओपन रहता है, और संडे को शायद से ना क्लोज रहता है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, लेकिन शायद संडे को भी ओपन रहता है, आप आके देख सकते हो। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, और ये पेंटिंग तो मुझे थोड़ा भी समझ नहीं रहा है। अगर आपको समझता है ना ये पेंटिंग, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप अंदर आओगे ना, आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। और ये थर्ड गैलरी, और आप सामने देख सकते हो इस पे लिखा है हीरजी जहांगीर आर्ट गैलरी। तो अंदर चलते हैं और अंदर का पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये सब आर्टिस्ट हैं।
ये जो आप आर्ट देख रहे हो ना, ये हमारे इंडियन गॉड से रिलेटेड है, जैसे कि गणपति बप्पा, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान, जिनको ना आर्ट्स के थ्रू ना बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और बहुत ही एक्सलेंट वर्क किया गया है इस पे, और आप सामने देख सकते हो। मतलब इस आर्ट्स का नाम पिछवाई है। बेसिकली पिछवाई का मतलब ये होता है, वर्ड का मतलब ये होता है कि पीछे लटकने वाला जो कपड़ा। तो जो श्रीनाथ जी नाथवाराम जो पेंटिंग्स होती थी, पेंटिंग क्या मूर्तियाँ होती थी, मंदिर होती थी, पीछे ना ऐसे पेड़ पौधे और ऐसा बना के पीछे कपड़ा लटकाया जाता था, बेसिकली वो ही होता था। और फिर धीरे धीरे उसको ना बढ़ाया गया, क्रिएशन किया गया, तो फिर इसमें भगवान को बिठाया गया और अच्छा। इनका जो वर्क है ना बहुत ही एक्सलेंट था और बहुत ही डिटेलिंग वर्क है इसमें, और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। मुझे तो इनका वर्क बहुत ही अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना आप। आपको फन फैक्ट नंबर 1 बता दूं कि ये जो आर्ट गैलरी है ना, ये आर्ट गैलरी 1952 में एस्टैब्लिश हुई थी, और इसको एस्टैब्लिश कराया था के एम्बर और होमी बाबा के आग्रह पर कोसवाजी जहांगीर ने। और आपको बता दूं कि आप अगर एक आर्ट लवर हो और आपको आर्ट्स बहुत पसंद है ना, तो आपको इस आर्ट गैलरी को जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पे ना आपको इंडिया के जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट है ना, उनसे मिलने का मौका मिल जाएगा, और इसके साथ ही बाहर के जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं ना, उनसे भी आप मिल सकते हो और बात कर सकते हो और उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैं ना अभी ऊपर जा रहा हूँ, शायद ऊपर भी ना कोई गैलरी है। ये आप सामने बैनर देख सकते हो, इस पे मेंशन किया गया है टेरेस गैलरी, और इस पे लिखा गया है वाइल्डनेस ऑफ अ लॉस्ट हार्ट। आप सामने देख सकते हो यहाँ पे ना मेंशन किया गया है टेरेस गैलरी फॉर अ फोटोग्राफी एंड विजुअल आर्ट। शायद यहाँ ना फोटोग्राफी से रिलेटेड आर्ट्स होंगे, तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। आप जैसे आर्ट गैलरी के बाहर आओगे ना, आपको बाहर भी बहुत सारे पेंटिंग्स और स्केच देखने को मिल जाएगा, दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पेंटिंग्स और आर्ट देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, और आप इसको बाय भी कर सकते हो। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पीपल का पत्ता होता है ना, पूरा उसके ऊपर बनाया गया है। देखो तो देखो, पूरा उसको सुखाते हैं, फिर उसके ऊपर स्केच किया गया है।
ये पूरा बहुत ही अमेजिंग आर्ट दिख रहा है देखो। और आप इसको बाय भी कर सकते हैं, यहाँ पे 100 रुपीज प्राइस है। ये देखो गणपति बप्पा। तो फाइनली भाई साहब मैं आ गया हूँ आर्ट गैलरी के बाहर, और अंदर बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग लगाई गई थी और बहुत ही एक्सेलेंट वर्क किया गया था। अगर आप आर्ट लवर हैं ना तो आपको इस प्लेस को जरूर विजिट करना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा आपको कि आप इस प्लेस को जरूर विजिट करो। और इसके जस्ट साइड में ही है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। उसको मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। अगर आप वेस्टर्न लाइन में रहते हो ना तो आप चर्चगेट स्टेशन आ सकते हो, अगर आप सेंट्रल लाइन में रहते हो ना तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन आ सकते हो। वहाँ से आप टैक्सी या बस करके आ सकते हो, या हार्डली 10-15 मिनट्स लगता है तो आप वॉक करके भी आ सकते हो गूगल मैप यूज करके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।